आप सभी भाई बंधु, छात्रगण, दर्शक एवं श्रोता को मेरा जो नमस्कार है। आज मैं संस्कृत खंड के अंतर्गत षष्ठा पाठ लोभा पापस्य कारणम्, लोभ पाप का कारण होता है, का हिंदी अनुवाद आपके सम्मुख प्रस्तुत करने जा रहा हूं। एको वृद्ध व्याघ्र इस नाता कुशस्ता सरस तीरे ब्रूते भो भो पांथा इदम स्वर्ण कंकणम ग्रहताम ततो लोभा कृष्टेन केंचित पांथेन आलोचितम भाग्य नैत संभवति किंतु अस्मिन् आत्मसंदेह प्रवृत्ति न विधेया यतः। एको वृद्ध व्याघ्र, एक बूढ़ा व्याघ्र इस नातः स्नान करके कुशहस्तः हाथ में कुसा लिए हुए सरस तीरे ब्रूते तालाब के किनारे बोला। एक वृद्ध व्याघ्र स्नान करके हाथ में कुसा लिए हुए सरोवर या तालाब के किनारे बोला, भो भो पंथा हे राहगीरों इदम स्वर्ण कंकणम ग्रहणताम, इस सोने के कंगन को ग्रहण करो। ततो लोभा कृष्टेन केनचित पांथे नालोचितम, फिर जो है लोभ का लालची किसी जो है पथिक ने सोचा, भाग्य नैत संभवती ये सब भाग्य से ही संभव होता है, किंतु अस्मिन् आत्मसंदेहे प्रवृत्ति न विधेया, किंतु इसमें आत्मसंदेह की प्रवृत्ति नहीं होनी चाहिए, किंतु इसमें आत्मसंदेह की प्रवृत्ति नहीं होनी चाहिए या करनी चाहिए। यतः क्योंकि न संशयमा न रोय नरो भद्राणि पश्यति संशयम पुनरुद्धाय यदि जीवति पश्यति। संशय माने संदेह, आरोही माने पढ़कर, नरो माने मनुष्य, भद्राणी माने कल्याण। संशयम पुनरुद्धाय संशय या संदेह से मुक्त होकर के, पश्यति माने देखना। तो मनुष्य संशय या संदेह में पढ़ करके कल्याण को नहीं देखते, मनुष्य संशय या संदेह में पढ़कर, नरो माने मनुष्य संशय या संदेह में पढ़कर कल्याण को नहीं देखते। संशय पुनरुद्धाय,
संदेह से मुक्त होकर के यदि वो जीवित रहता है तो कल्याण को देखता है। तो मनुष्य जो है संशय या संदेह में पड़कर कल्याण को नहीं देखता, संशय से मुक्त होकर के यदि वो जीवित रहता है तो कल्याण को देखता है। सह आ तौ कुत्र कंगनम व्याघ्रो हस्त्रम प्रसारि दर्शयति पांथो अवद कथम मारात्मके त्वयि विश्वास। स आ वह बोला कुत्र तौ कंकणम, तुम्हारा सोना कहां है, तुम्हारा सोना या कंगन कहां है। व्याघ्रो हस्त्रम प्रसार दर्शयति, व्याघ्र हाथ फैलाकर प्रसार माने फैलाकर दिखाता है। पांथो अवदत पथिक बोला कथम मारात्मके त्वय विश्वास, तुम हिंसक पर विश्वास कैसे किया जाए। कि कथम मारात्मके त्वय विश्वास, तुम हिंसक पर विश्वास कैसे किया जाए। व्याघ्र उवाच, व्याघ्र बोला सुनो रे पत्था, हे पथिक सुनो, प्रागेव यमन दशायाम अहम अतिम दुर्वृत्तम आसम। प्रागेव माने प्राचीन काल में या पहले, यवन दशाया माने यौनावस्था में, अहम माने मैं, अति माने अत्यधिक, दुर्वृत्त माने दुराचारी, आसम माने था कि पहले यौनावस्था में मैं अत्यधिक दुराचारी था। आने गो मानुष्या नाम बधात्मे मे पुत्रामृता दाराश्च वंशहीनम चाम। अनेक गाय मनुष्यों को मारने से मेरे पुत्र और पत्नी मर गए और मैं वंशहीन हो गया। तथा किंचित फिर किसी धार्मिके राधिस्तम, तब किसी धार्मिक ने मुझे आदेश दिया दान धर्मादिकम चरतु भवान, कि आप दान धर्म आदि का आचरण करें। आप दान धर्म आदि का आचरण, चरतु माने आचरण करें। तदुपदेशा दीदानीय महम, उसके उपदेशानुसार इस समय मैं स्नान सीलो, स्नान करके दाता दानी नाखून और दांत से रहे दानी वृद्ध, नाखून और दांत से रहित मैं विश्वास के योग्य कैसे नहीं। क्या कि उसके उपदेशानुसार इस समय मैं स्नान करके दानी नाखून और दांत से रहित मैं बूढ़ा विश्वास के योग्य कैसे नहीं। अर्थात मैं जो है बहुत बूढ़ा हो चुका हूं, मेरे नाखून और दांत भी गिर गए हैं, नाखून टूट गए हैं, तो मैं विश्वास के योग्य कैसे नहीं।
मम चैतावान लोवीरत येन स्वहस्तमपि स्वर्ण कंकणम यस्मै कस्मैचित् दातुमिच्छामि। मैं जो है लोभ से रहित होकर के या मेरी लोभहीनता इतनी है कि मैं अपने हाथ पर रखे हुए सोने के कंगन को जिस किसी को देने की इच्छा करता हूं। या ये भी लिख सकते हैं कि मैं जो है लोभ से रहित होकर के अपने हाथ पर रखे हुए सोने के कंगन को जिस किसी को देने की इच्छा करता हूं। तथापि व्याघ्रो मानुषम खादति इति लोक प्रवाद दुर्निवार। लोक प्रवाद माने लोक निंदा, तथापि माने फिर भी, व्याघ्रो माने व्याघ्र, मानुषम खादति मनुष्य को खाता है इति लोक प्रवाद दुर्निवार, ऐसे लोक निंदा को दूर करना कठिन है। मया च धर्म शास्त्राणि अधीतानि, मया और मैंने भी धर्म शास्त्रों का अध्ययन किया है, मैंने भी धर्म शास्त्रों का अध्ययन किया है। क्या मरुस्थलाम यथा वृष्टिम क्षुधार्ते भोजनम तथा दरिते दियते दानम सफलम पांडुनंदनम। मरुस्थलाम माने मरुस्थल, मरुस्थल में, यथा माने जिस प्रकार, वृष्टि माने वर्षा, क्षुधार्ते माने भोजन भूखे को, दरिते दियते दरिद्र माने गरीब, दियते माने दान, दियते माने दिया हुआ, पांडुनंदनम माने पांडु पुत्र दृष्टि। तो हे पांडु पुत्र युधिष्ठिर, जिस प्रकार मरुस्थल में वर्षा का होना अच्छा होता है, भूखे को भोजन देना अच्छा होता है, उसी प्रकार गरीबों को दिया गया दान सफल होता है। तो हे युधिष्ठिर, जिस प्रकार मरुस्थल में वर्षा का होना अच्छा होता है, भूखे को भोजन देना अच्छा होता है, उसी प्रकार गरीबों को दिया गया दान सफल होता है। मातृवत परदारेषु परद्रव्येषु लोष्टवत् आत्मवत् सर्वभूतेषु ये पश्यति सः पंडित। मातृवत माने माता के समान, परदारेषु माने दूसरे की स्त्री, पारद्रव्येषु माने दूसरे के धन को, लोष्टवत मिट्टी के ढेरे के समान, आत्मवत अपने समान। तो मातृवत परदारेषु, जो व्यक्ति दूसरे के स्त्री को, जो व्यक्ति दूसरे की स्त्री को माता के समान समझता है, दूसरे के धन को मिट्टी के ढेले के समान समझता है, आत्मवत् सर्वभूतेषु और सभी प्राणियों में अपने को देखता है, अर्थात अपने समान सभी प्राणियों को देखता है, सह पंडित वह पंडित। जो व्यक्ति दूसरे की स्त्री को माता के समान, दूसरे के धन को
मिट्टी के ढेले के समान, और अपने को सभी प्राणियों में या सभी प्राणियों को अपने समान देखता है वह पंडित होता है। त्वं चातीव दुर्गता ततुभ्यं स्वर्ण कंकणं दातुं स यत्नो अहम् यतः। त्वं माने तुम, च माने औरतीव माने अत्यधिक, दुर्गता माने दरिद्र, और तुम अत्यधिक दरिद्र हो। तुम वही पथिक के जो लालची पथिक। त्वं चात अतीव दुर्गतः, और तुम अत्यधिक दरिद्र हो। तस्तुभ्यं, इसलिए तुम्हें स्वर्ण कंकणं दातुं सयत्नो अहम्, इसलिए तुम्हें सोने के कंगन को देने के लिए मैं प्रयत्नशील हूं। कि तुम अत्यधिक दरिद्र हो, इसलिए तुम्हें सोने के कंगन को देने के लिए मैं यत्नशील या प्रयत्नशील। यतः, क्योंकि दरिद्रान भार कौन्तेय मा प्रयच्छसरे स्वरे धनम व्याधि तस्य औषधम पथ्यम निरुजस्य किमौषधय। दरिद्रान भर, दरिद्रों का भरण पोषण कर। कौन्तेय माने अर्जुन, मां माने नहीं, प्रयच्छ माने दो, अस्वरे धनम धनवान, व्याधि माने रोगी, औषधम माने औषधि। तो हे कुंती का पुत्र अर्जुन, दरिद्रों को धन दो या दरिद्रों का भरण पोषण करो। मां प्रयच्छ स्वरे धनम, धनवानों को धन मत दो। व्याधितस्य औषधम पथ्यम, क्योंकि औषधि से अभिप्राय, क्योंकि औषधि से अभिप्राय रोगी से होता है, निरोगी को औषधि से क्या अभिप्राय। क्योंकि औषधि से अभिप्राय रोगी को होता है, निरोगी को औषधि से क्या अभिप्राय। कहने का अभिप्राय यह है कि जो रोगी होते हैं उनके लिए औषधि होता है, निरोगी के लिए औषधि से कोई मतलब नहीं। तदत्र सरस स्नात्वा स्वर्ण कंकणं गृह्णात्, इसलिए इस सरसी माने, इसलिए इस सरसी माने तालाब में स्नात्वा माने स्नान करके, इसलिए इस तालाब में स्नान करके स्वर्ण कंकणं गृह्णात्, सोने के कंगन को ग्रहण करो। ततो याव दसो तद्वचो, फिर जैसे ही उसके वचन पर विश्वास करके, फिर जैसे ही उसके वचन पर विश्वास करके लोभात लालचवश सरा स्नातुं प्रविशति, तालाब में स्नान के लिए प्रवेश करता है। तावत महापंके निमग्न पलायितुं क्षम, वैसे ही वो बहुत बुरी तरह से कीचड़ में फंस जाता है और भागने में असमर्थ हो जाता है। महापंके निमग्न, बहुत बुरी तरह से कीचड़ में फंस करके भागने में असमर्थ हो जाता है। पंके पितम दृष्ट्वा
व्याघ्र अवदत। कीचड़ में गिरा हुआ देख करके व्याघ ने बोला, अह महापंके पतियति, पतितो अस्ति। अरे बहुत बुरी तरह से कीचड़ में फंस गए हो। अतस्तम अहम मुथा पयामी, इसलिए मैं तुम्हें उठाता हूं, इसलिए मैं तुम्हें उठाता हूं। इत्तुक्त्वा ऐसा कह करके सनय सनय रूप गम्य तेन धीरे धीरे उसके पास पहुंच करके तेन व्याघ्रेण भक्षिता, उस जो है व्याघ ने उसे खा लिया। इसीलिए कहा जाता है कि लोभ या लालच नहीं करनी चाहिए। तो ये आपका जो छठा लेसन था वो उसकी भी हिंदी आज जो है पूरी हो गई। इसी के साथ कक्षा 11 के जो संस्कृत खंड का भाग था वो पूरा हो जाता है। अब धन्यवाद।